अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश के पांच नए वर्ड्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज एपिटमी। ये एक नाउन है, इसका उर्दू मीनिंग है नमूना या मिसाल। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो वो है परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ को अगर आप आइडियलाइज करते हैं, आप अपने माइंड में आइडियलाइज करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये है, तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल इज कॉल्ड एपिटमी। नाउ लेट्स यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। शी हैज़ बिकेम द एपिटमी ऑफ गुड मैनर आफ्टर हर रिटर्न फ्रॉम द फिनिशिंग स्कूल। आज का दूसरा वर्ड है लिंगर। ये एक वर्ब है, इसका उर्दू मीनिंग है देर करना, किसी भी चीज में देर कर देना, कहीं पहुंचने में देर करना, किसी काम को करने में देर कर देना। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो वो है टू डिले। हम सभी लोग कभी कभी लेजी होकर चीजों को डिले कर जाते हैं, तो उस डिले करने को लिंगर बोलते हैं। नाउ लेट्स यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी डन एज सून एज पॉसिबल। He didn't want any work to be lingering for years. Now let's see the third word for the day. It is moat. ये एक noun है, इसका उर्दू मीनिंग है जर्रा, या आप कह लें खाक का जर्रा। आंधी में, हवा में, समटाइम्स आपकी आंखों में भी छोटे जर्रा चले जाते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उसको जर्रा कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है दैट इज अ स्मॉल पार्टिकल, अ माइक्रो पार्टिकल। चलें इस वर्ड को अब सेंटेंस में यूज करते हैं ताकि इसकी और अच्छे तरीके से आपको समझ आए। अ मोट ऑफ डस्ट गॉट इन टू हर आई कॉजिंग हर स्वेयर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एग्जाम। आज का जो हमारा फोर्थ वर्ड है दैट इज पिटेंस। ये एक नाउन है, इसका उर्दू मीनिंग है एक छोटी सी रकम, छोटी सी अमाउंट, बहुत कम पैसे। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो दैट इज एक बहुत ही एवरेज अलाउंस या वेज। नाउ लेट्स यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड ही इज ओनली पेड अ पिटेंस। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस। आज का जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड है दैट इज प्लॉजिबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका उर्दू मीनिंग है काबिले फहम। इफ वी लुक एट इट्स इंग्लिश मीनिंग दैट इज सीमिंगली रीजनेबल। कोई ऐसी चीज जिससे आप अग्री करते हैं, आप समझते हैं कि हाँ भाई ये रीजनेबल है, ये फाइनेस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल। नाउ लेट्स यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। The suggestion he has given to the committee sound plausible. So these were five new words. I hope ye aapke liye informative honge, aapke liye naye words honge. And I believe you liked the video. If you really did, do not forget to give it a thumbs up, hit the bell icon and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.